प्रकाश जी और बीरेंद्र जी, देखिए ये आज मैं कोई टेलीविजन शो नहीं कर रहा हूं, बात को समझिए। और मैं आप दोनों से इसलिए, और प्रकाश जी आपसे मैं इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं भाई, जिस वक्त आपने वो दीपक जलाया 1997 में, ये 25 वर्ष तक आप गौण क्यों हो गए प्रकाश जी? 25 साल तक आप क्यों विमुख हो गए? ये माफिया क्यों कब्जा कर लिया इस सत्ता पर? ये व्यक्ति उस वक्त बोल रहे हैं 2 फरवरी 1935 1835 हाउस ऑफ कॉमन्स ब्रिटिश पार्लियामेंट, मेकाले के अकाउंट को खोल करके पूरे देश को बता रहा है ये शख्स रामदेव, जिसे नटवर लाल कहता है। प्रकाश जी आप मौन रहेंगे, वीरेंद्र भाई मौन रहेंगे, राजीव भाई की इस ज्योति को घर घर जलाएंगे कि नहीं जलाएंगे, बताएंगे कि नहीं बताएंगे कि हमें जो इतिहास पढ़ाया जा रहा है वो मूर्खों का इतिहास है, उसे फेंक दो, उठा के जला दो, हम निरक्षर थे, हम अज्ञानी थे, इसका अकाउंट ब्रिटिश लाइब्रेरी में मौजूद है, क्यों नहीं बताया हमारे नेताओं ने, क्यों नहीं लिखा भारत के आधुनिक इतिहास में? प्रकाश जी बोलिए अब आप। नहीं आशुतोष जी, क्या विषय है कि हमारे देश के अंदर ये जो नेता लोग है ना, ये नेता लोग हमेशा यही चाहते हैं कि जनता जो है ये मूर्ख और अज्ञानी रहे, और ये इनको यानी ये इनके इसलिए इनके पास में ये इंफॉर्मेशन पहुंचने नहीं देते हैं। अभी तो परिस्थिति आप मुझे बताइए, 1947 में हम स्वतंत्र हुए तो तब से हम प्रगति कर रहे हैं कि अधोगति कर रहे हैं? मैं तो बोलता हूँ कि अधोगति के तरफ हम जा रहे हैं। देखो प्रगति का मायना क्या होता है, व्याख्या क्या होती है प्रगति की? व्याख्या या हम लोग अगर प्रगत या हम लोग बहुत ज्यादा ये हो रहे हैं, क्या बोलते उसको, शिक्षित या जिसको बोलेंगे कि एजुकेटेड हो रहे हैं, न्याय व्यवस्था ठीक है, आपको शिक्षा मिल रही है, उसको आप प्रगति कहेंगे? तो हम उसको बोलेंगे, देखिए मैं आपको 2-3 एग्जांपल देता हूं तो समझाने की कोशिश करता हूँ शॉर्ट में सभी लोगों को। देखिए आज से 1965 में बोलता हूँ, 65-70 के दशक में हमारे अकोला में सिर्फ 2 डॉक्टर थे और 2 दवा की दुकान, 4 ही डॉक्टर थे। एक डॉक्टर दादा प्रधान, उसके बाद में डोंगरे साहब, जोगलेकर जी और चौधरी साहब, नाना साहब चौधरी, ऐसे 4-5 इन्हीं डॉक्टर थे अकोला के अंदर, और दवा की 2 ही दुकान थी, एक स्टार मेडिकल था और एक संजीवनी मेडिकल। देखिए अभी हमारे अकोला के अंदर मैं समझता हूं कि 4000 डॉक्टर और 8000 दवा की दुकान, ये प्रगति है? ये प्रगति है? अकोला में सिर्फ 2 पुलिस थाने थे, एक रामदासपेट पुलिस थाना और एक सिटी कोतवाली, 2 ही पुलिस थाने थे, आज अकोला में 40 पुलिस थाने, क्या ये प्रगति है? मैं बोलता हूँ ये अधोगति है, टोटली अधोगति। पुलिस उस जमाने में अकोला के अंदर समझ लो 100 पुलिस होंगी, अभी 1000 पुलिस है, 2000 पुलिस है, ये प्रगति थोड़ी है, ये अधोगति है।